आज जो हम अभी पढ़ेंगे वो टॉपिक है टॉरॉइड। टॉरॉइड सोलॉइड से मिलता जुलता होता है। होता क्या है, व्हेन टू एंड्स ऑफ सोलेनोइड आर जॉइन टू ईच अदर देन द स्ट्रक्चर is known as toroid. It is look like a tube of tire. It look like a tube of tire. मतलब इन दोनों जो पॉइंट्स है ये वाला लेफ्ट और राइट दोनों को ऐसे गोल घुमा के मोड़ के ज्वाइन कर लें तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं टॉरॉइड। और टॉरॉइड जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर तो मैं देखे ऐसे हम बोलते हैं टॉरॉइड। समझे, इसमें हम टर्न्स डाल रहे हैं। बात समझ आई इतनी? तो ये तो मैं टर्न्स होंगे जिसमें करंट ऐसे फ्लो होगा और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड इस शेप में बनेगी। ये जो तुम्हें पिंक वाला पोर्शन दिख रहा है ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पोर्शन में आएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है। सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट थी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड टर्न होगी पूरा। Got it? यहां तक किसी को डाउट? नो सर। हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है अंदर कितनी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप ले लेते हैं आर रेडियस का। ठीक है, आर रेडियस का एक लूप ले लेते हैं ठीक है, ये एमपीएस सर्कुलर लूप है आर रेडियस का। गॉट इट? अब पूरा ध्यान, एज शोन इन स्कैमेटिक डायग्राम ऑफ टॉरॉइड इज शोन इन फिगर The number of turns
of wire are capital N and current flowing through it is capital I. Got it? समझ में आई यहां तक बात? Yes, sir. To find magnetic field inside the toroid, consider a circular loop of radius r. ठीक है, and applying Ampere's circuital law on it. क्या apply करेंगे? Ampere का circuital law. Ampere का circuital law क्या था? Integration B dot dl is equal to mu naught sigma I. इसमें B तो बाहर, अंदर इंटीग्रेशन dl. सिग्मा I का मतलब होता है टोटल करंट. तो ध्यान से देखो तो अपने लूप के अंदर सारे टर्न्स आ गए. एक टर्न में करंट है I, दो टर्न्स होंगे तो 2I, तीन टर्न्स होंगे तो 3I. यहाँ पे टोटल टर्न्स कितने हैं? N है, तो करंट हो जाएगा N टाइम्स ऑफ I. समझ में आई बेटा यहाँ तक बात? एवरीवन क्लियर? यस सर. यस सर. डीएल मतलब लेंथ. किसकी लेंथ? जो लूप हमने सपोज किया है, लूप हमने आर रेडियस का सपोज किया सर्कुलर, तो सर्कुलर की लेंथ होती है 2πr. तो बी बन जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr. तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट सेम, n अपॉन 2πr सेम, i. तो n अपॉन 2πr जो है वो बन जाएगा स्मॉल n. स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन यूनिट लेंथ. तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड. क्लियर एवरीवन? यस सर. तो देखो टॉरॉइड यूनिट की सेम मैग्नेटिक फील्ड आएगी. ठीक है, लिख लो फास्ट, फटाफट लिख लो. लिख के मैसेज करो. सर ये टॉरॉइड का यूज क्या होता है? सर हेलो बेटा, किसी को डाउट था? सर पूछ रहा था वो टॉरॉइड का यूज क्या होता है सर? टॉरॉइड एक कॉइल की तरह काम करता है. कॉइल का मतलब होता है कुछ कुछ सर्किट्स में ना इंडक्टर की जरूरत पड़ती है, सर्कुलर इंडक्टर, तब हम वहां पे टॉरॉइड यूज करते हैं. जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे चार्जर है, जैसे दूसरे डिवाइसेस होते हैं, वहां पे कभी कभी ऐसा सर्कुलर कॉइल की जरूरत पड़ती है, तब हम उसको टॉरॉइड में यूज करते हैं. और टॉरॉइड यूज होता है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करने के लिए.
लिख लिया सर ने, बाकी है अभी। सर बाकी है। हाँ एक मिनट लिखने को देता हूँ मैं, हाँ एक मिनट ये देख लो, ये है टॉयलेट की एक्चुअल पिक्चर, देखी। टर्म्स देखो कितने सारे हैं। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो बोलो। ये देखो ये इसमें यूज है, बट सर इसको यूज करके अपने को एडवांटेज क्या मिलता है? देखो जहां भी हमें मैग्नेटिक फील्ड को किसी में कन्वर्ट करना हो तब हमें सोलेनोइड और टॉयड्स की जरूरत पड़ती है। वन टाइप ऑफ जहां भी एनर्जी कन्वर्जन होता है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, तब हमें मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। जब हमें मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है तब हमें इन सोलेनोइड और टॉयड्स की जरूरत पड़ती है। Got it? Okay, sir. Thank you. Yes, sir. देख लो फटाफट। सर ये इंडक्टर का क्या यूज है सर? क्या? इंडक्टर का? ये एक वन टाइप ऑफ इंडक्टर होता है। इंडक्टर क्या करता है? जैसे कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही ये जो है ना टॉरॉइड सोलेनोइड दे एक्ट एज इंडक्टर। इंडक्टर मतलब वो भी एनर्जी स्टोर करते हैं in the form of magnetic field. Okay, sir. Sir, solenoid जो हमने पहले electric field of solenoid find किया था. Electric field नहीं, magnetic field. हाँ sir, magnetic field. तो उसमें हमने sigma i की जगह NL लिखा, NLI. हाँ, क्योंकि उसमें सारे terms cover नहीं हो रहे थे अपने सर, वो closed loop में. हमने closed loop छोटा लिया था, इसमें हमने पूरा लिया है. Got it? Yes, sir. Done, sir. तो सबने लिख दिया, किसी का बाकी? हटा दो ना। Yes, sir. So, उसको मैं हटा रहा हूं। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत सारी हो गई। पहले पहले हमने पढ़ी थी रिंग वाली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? किसी को याद है रिंग की मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या थी? म्यू नॉट x square plus a square का कितना पावर 3/2। इसमें दो केसेस थे, पहला केस कौन सा था? सेंटर वाला। सेंटर पे फॉर्मूला क्या थी? फिर एक्सिस पे था, एक्सिस पे कितना डिस्टेंस, तो फॉर्मूला क्या बन गई? दूसरी थी वायर, वायर में पहली थी लॉन्ग वायर आउटसाइड, तो आउटसाइड में फॉर्मूला क्या थी? पीसी में था इनसाइड, इनसाइड में फॉर्मूला याद है? बोलो। और वायर में एक शॉर्ट वायर भी थी, शॉर्ट वायर का याद है कुछ?
हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही, तेरी आवाज आ रही है, पहले भी आ रही थी। तो वो मेरे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, फिर अभी चेंज फिर से किया ना तो आ रही है। बोलो बेटा। सोलेनोइड याद है? लॉन्ग में और शॉर्ट में? और चौथा हमने अभी पढ़ा था टॉरॉइड। क्या था टॉरॉइड का फॉर्मूला बोलो? क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। ये लेक्चर थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता है 6 से 7 में? मैं ट्राई किया लेकिन हो नहीं, क्योंकि मेरा क्या 6 बजे ऑलरेडी एक लेक्चर खत्म होता है और 6 से 7 में ऑन द स्पॉट चालू करता हूँ तो फिर मैं चाय कब पीऊंगा? तुम तो चाय भाई पी के आते हो ना? नहीं पीते हैं सर। हाँ सर। जब पियो चाय तो पियो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाय नहीं पीते हैं, क्या करोगे तुम? कौन कौन चाय पीता है? मैं सर। मैं सर। वेरी गुड। चाय तो पीनी चाहिए, चाय पियोगे फिजिक्स अपने आप आएगा। मैं दोनों सर ग्रीन टी चाय और दूध पीता हूं सर। ग्रीन टी? मैं चाय और दूध पीता हूं। हां सर मजा आ जाती है। तो तू बेटा ऑलरेडी इतना थिन है फिर भी ग्रीन टी पीता है? ना सर, थोड़ा दिमाग तो उसका असर आता है, थोड़ा उसको पी के पढ़ो ना थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो वहम है। वहम नहीं, एक्चुअली चाय और ग्रीन टी हो सब चीजें क्या है, इट्स ओनली फॉर रिलैक्स विद 2 मिनट का ब्रेक। कभी कुछ ना करके देखो, ईस्ट बाय स्टार डू नथिंग। वैसे सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं? एवरीवन इज ओके? नो सर, सब ठीक है। कोरोना मोना को तो नहीं ना मगज में आ? हमारे भाई सर, हमारे बाजू में एक आंटी रहते हैं ना सर, हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। हो गया, हो गया सबका? हो गया भाई बेटा, क्लियर एवरीवन? यस सर। सर बोलो बेटा। हेलो सर बोलो। हमारे बाजू में जो एक लड़के रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उनको कितना अच्छा, बोलो कोरोना का टाइम है
मतलब स्कूल ही छुड़ा दिया ना, ऑनलाइन पढ़ने का टेंशन ना कुछ नहीं। सुबह में 9 से 12 खेलते, फिर 5 से 8-10 बजे तक खेलेंगे। बढ़िया है ना। बहुत अच्छा है। तो क्रिकेटर की तरह जाते हैं सुबह में 9 बजते 8:30।